जब आप बराबर कीर्तन के माध्यम से भी मैंने बहुत उल्टा चिंता बोला होगा, मैं अपने सभी माताओं से, बहनों से, अपने भाइयों से क्षमा चाहता हूँ कि कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दे। हमारी कमेटी के लोगों ने हमें बुलाया, पूरे गांव ने हमारा बहुत सम्मान किया। अरे कभी हमारे पूरे गांव ने मिल के बहुत अच्छा ये अनुष्ठान करवाया। बहुत अच्छे भक्त थे यार, जो पहले भी किताब में कह के गया था, कोई बिल्कुल प्रभाव नहीं है। बहुत अच्छे कथा करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे दिल और दिमाग से कथा सुनते हैं। हमारे सभी भाई बड़े अच्छे से इसे अनुष्ठान को पूर्ण कर रहा है। गायकार हूँ, बस टूटी फूटी सेवा आप लोगों की कर रहा हूँ। Thank you.
सब के चेहरा बड़े फूले फूले नजर आ रहे थे। इस अनुष्ठान को कराने के लिए लोगों ने पूरी ताकत लगा दी। सब हमारे भाइयों के दिल बड़े अच्छे से झूल रहे थे, लेकिन आज सबके दिल मुरझा से गए हैं। और ये 101 रुपए की भेंट आई है विदाई के रूप में हमारे बड़े भाई पंकज जी के द्वारा। भगवान से कामना करूंगा भाई हमेशा आज बनते रहे। हमारे भाई जोनसन के द्वारा भगवान से कामना करेंगे। भगवान का सब लायक रखे, फिर बुलाओ फंदा गाँव की रोटी खाए। जो चिंता बजा रहे हैं ये बहुत मेरा चाहने वाला शिष्य है, जो मेरे साथ बहुत मेहनत की, इसकी मेहनत अटूट बना रहा और इस सबसे प्रिय शिष्य रहा मेरा। और जो कुछ भी है आज बहुत दिनों से आज मेरे साथ है, करीब चला गया था थोड़े दिन के लिए, लेकिन अपने मंजिल पर वापस आया है। Thank you.
अरे जैसी और हमारे समय संस्कार से अगर किसी से गलती बनी हो तो क्षमा कर दे। और मैं अपने एक पति परिचय जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, महाराज अगर मैदान में कोई गलती बनी हो तो उस गलती को हमें क्षमा कर दें और अपने दिल और दिमाग से उस गलती को निकाल दें। मैं अपनी समस्त कमेटी का हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ कि जो भी गलती बनी हो हमें क्षमा कर दें। आप तो जानते हो कि जैसा जाना मैंने वैसे कहा, खूब आप लोगों में डांट लगाई, लेकिन मैं नहीं चाहता। हम तो कैसे आज यहाँ है कल वहाँ है, न माँ का प्यार है न बाप का दुलार है। कल आई थी मेरी माँ, आज भी आपकी, लेकिन भगवान ने ऐसा संकट में डाल दिया कि भतीजे का एक्सीडेंट हो गया तो उसका रोड टूट गया। अभी घर पर आया हूँ, हम भी जाएंगे अभी, लेकिन हम तो कहीं भी चले जाए परमात्मा ने दुखों का बहुत भंडार भरा है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं और मेरी माँ दो ही लोग हैं। लेकिन घर वाले जब चार ओर भटकते हैं तब आते हैं, उससे पहले कोई नहीं आता। अब मैं कहीं भी बाहर चला जाऊँ एक महीने के लिए तो मेरी माँ अकेली रहेगी। सब सुख है, लेकिन सुख होने के बाद भी उस सुख का कोई आनंद नहीं है। अरे सब भगवान भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मेरे पिताजी का भी हाल मेरे ऊपर था, लेकिन मैं जब सब लायक हुआ तो पिताजी का हाथ भी उठ गया। जिनके पिताजी होते हैं वो पिताजी की कदर नहीं जानते, लेकिन जिसके बाप नहीं होते तो बाप मरने के बाद याद आते हैं कि बाप का हाथ क्या हो। अगर मैं उनकी बातों पर चलता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया तब यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि अगर हंसने में भी मैंने किसी से कुछ कह दिया होगा तो परमात्मा ने मुझे सुख नहीं दिया कि मैं किसी के साथ दो मिनट हंस लूं। कथाओं में रहता हूं तो अकेले के मुकद कट जाता है, लेकिन किसी के साथ हंस के दो मिनट बात नहीं कर सकता। इतनी जिंदगी बर्बाद है।
प्रार्थना है या कच्चा है, कड़ो जाए भगवान की आरती।